नमस्कार, आप देख रहे हैं सरसा ट्यूब। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम हैं मेहंदीगंज थाना क्षेत्र के साहू कॉलोनी में है, चंद्रमोती इनक्लेव में है। यहाँ पर अपार्टमेंट है, बहुत बड़ा अपार्टमेंट है। अब पटना सिटी में रहना बेकार हो गया है। एक बात मैं आप तमाम लोगों को मैं जानकारी देना चाहता हूँ अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से। अगर आप शादी विवाह पूजा छठी जन्मदिन या और भी किसी भी तरह का अगर फंक्शन में जाने के लिए सोच रहे हैं तो वो चीज़ भूल जाइए। अगर आप गए तो हो सकता है कल आपकी बारी हो सकती है। इसी फ्लैट में चोरी होती है, भीषण चोरी होती है, वो भी रात्रि के समय नहीं बल्कि दिन में, दिन के उजाले में चोरियां होती है और नकदी आभूषण सहित चोरों ने एक बार फिर से अपने कारनामा करके दिखला दिया है। पुलिस को चुनौती, शासन प्रशासन को चुनौती। एक तरफ जब देखिएगा तो पूरा पटना, पूरा बिहार पुलिस के आला अधिकारी जो है तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं ताकि चोरों अपराधियों को नकेल कसे, लेकिन यहाँ तो शासन प्रशासन से भी आगे निकल गए हैं। हम इसी इनक्लेव में आए हैं और यहाँ का चीज़ हम आपको दिखलाना चाहते हैं कि ये क्या हो रहा है पूरे शहर में और ख़ास करके पटना सिटी में। आए दिन 4 से 5 घटनाएं, चोरी की लगातार घटनाएं घट रही है, उसके बावजूद भी शासन प्रशासन कह रहे हैं कि मामले को तहकीकात किया जा रहा है, छानबीन किया जा रहा है। तो यहाँ के जो पीड़ित है उनका कहना है कि छानबीन कब, यूं ही चोरों का लोग शिकार होता रहे। हम सीधे चलते हैं पीड़ित के पास, उनके मकान में जाते हैं, क्या क्या चीज़ सामान की चोरी हुई है वो चीज़ दिखला देना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ का जब नज़ारा देखिएगा तो तमाम तरह की गाड़ियाँ यहाँ भरा फरा है। अब सवाल उठता है कि इतने बड़े फ्लैट में गार्ड क्यों नहीं है, CCTV क्यों खराब है। ये एक सोचने वाली बात है। इस मामले में तो खैर प्रशासन जी पर छोड़ देते हैं, वही कुछ करेंगे आगे। लेकिन हम चलते हैं, इसे सीढ़ी के रास्ते चलते हैं उन पीड़ित के पास, जो जो क्या क्या सामान क्या क्या नकदी लेकर चले गए हैं हम सीधे आपको दिखलाते हैं। अच्छा, और आगे यही ना सब कुछ छोटा वोटा नहीं ना है, यही का है। मोबाइल था, सब छोड़ दिया, मोबाइल छोड़ दिया। अच्छा, मोबाइल इसी था। हाँ, मोबाइल वही था। सब निकाल ही सकते, क्या नाम हुआ आपका? युगल किशोर प्रसाद। युगल जी, कैसे क्या हुआ? हम लोग तो 9:45 में हम यहाँ से निकल गए थे और वाइफ 11:30 में यहाँ से निकली है। पूजा करें, दानापुर में पूजा था उसका भाई के यहाँ, पूजा में गई है, ताला बंद गई है, ताला वो काट दिया और मालिक को सारा चीज़ को डॉक्यूमेंट को काट करके 3.5 लाख लमसम कैश था और करीब 2.5 लाख गहना था। घर पे ताला लगा के गए थे क्या? हाँ, ताला लगा था। पुलिस आई थी? पुलिस आई है शाम रात में। हम लोग आए 6 बजे करीब, हम 7 बजे आए, 7 बजे आया सामान, भतीजा था, हम करीब यहाँ आए 8:30 में। ये कौन स्थान पड़ता है? ये चंद्रमोती थी, ये बोलते हैं इसको चंद्रमोती अपार्टमेंट हो गया, साहू कॉलोनी पड़ता है, साहू पैजामा मोड़ मेहंदीगंज थाना। क्या क्या ले गए थे इसमें? क्या था इसमें? जेवरात था। हाँ, सब देखिए, सब ये देखिए दबाए सर। कितना का जेवरात था? 2.5 लाख लमसम जेवरात था। नकदी भी लगे थे क्या? हाँ, नगद उसमें से ले गया। अच्छा, और क्या क्या सामान लगे? हम तो पेपर में लिखवाए हैं कि लमसम नकदी या कीमती सामान। अच्छा, और ये सब यहाँ पर जो है सब छिटे हुए, सब छिटे होता है, सब छिटे होते हैं सर। देखिए जो भाई सब देखिए, सब सामान दे रहे हैं, जो सा निकाल लेता हूँ, सब कार्ड फाट सब छिटे होता है, कार्ड सब कुछ है। आपको कैसे मालूम चला? हमारे सर तो मालूम चला, और कैसे मालूम चलेगा। ये लड़का था, इसी को कोची कहा है, ऑफिस गया हुआ था, ये भी अपना ऑफिस गए हुए थे,
चाबी नीचे वाली को देकर चल गए थे कि आज सब दे के जाते थे, हर समय दे के जाते थे हम, तो वही दे आया, ताला देखा तो गई, फ़ोन करके बोला कि अब ताला मार के नहीं तू गया था शिशु, तो बोला कि नहीं ताला मार, तो ताला तो गेट में मारला ही नहीं है, तो कुछ कहा कि आए ऐसा तो हो न सकता, अंदर जाओ घर में देखो ताला मार के भी आए हैं। अंदर गया तो कह रहे कि अंदर का भी ताला तुमको टूटा हुआ है और अलमारी खुलल है, तो बोला यू कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, वहीं पर ही रोने लगा, हम भी रोने लगे, बोले बेटा घर में डकैती हो गया, लगता है कुछ नहीं रह गया एकदम से, वहाँ से तो फिर आए तो देखे कि तुम था, ये था तुम घर में, ये घर में आया, देखे कि सब कहानी खत्म है एकदम, सोना चांदी जितना रखल था कैसे रख लेता, महाजन का पैसा था, तगादा करके लाया था, देना था सर, पूजा था भाई, बुलाए तो चल गए, हम क्या जान रहे थे कितना नसीब कम खराब आदमी है, दिने दिन अब रात में कहूँ नहीं रुकते हैं, दिन में हम चलाते हैं, गाना गुड़िया भी ले गया है, जांच कर कर के पलंग पर बैठ के आराम से एकदम जांच किया है, एगो रोल गोल का कि पायल था उसको छोड़ दिया, जितना था वो सब बटोर सब समेट लिया पूरा एकदम से, इधर उधर कितना कैश रखल था वो तो आदमी हर लेडीज लोग आदमी रखबे करती है, जो भी है अपना आदमी मर्दाना से बच्चे से छिपा के रखबे करती है, 3.5 लाख रुपया इसको कैश था, ऐसे 60,000 रुपया अलग से ऐसे ही मैंने रखल था, मैंने यही सब इतना को चिकाया था, गहना गुड़िया का तो गिनती नहीं है, तीनों बच्चे के शादी किए थे, सब इधर उधर से मिलल था सबको, कहे चलो भाई देना लेने में काम आता है आदमी को, कुछ पुरानी खानदानी गहना था, हम किसको पर शक करें सर, अब तो कोई से हम बिल्डिंग से उतना मतलब नहीं रखते हैं, ना मेरे ही कोई आता जाता है, तो हम कैसे शक कर सकते हैं सर। तो इसमें क्या था? इसमें हमारा कैश था, जैसे हम बिजनेस करते हैं तो कस्टमर का तगादा का पैसा आया हुआ था, तगादा का पैसा 3.5 लाख रुपये कैश रखे हुए थे, और सिल्वर कॉइन वगैरह था, चांदी का सिक्का वगैरह था, मेरा डॉक्यूमेंट्स था सारा बिजनेस का, हाँ सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा ले गया, प्लस उस वाले रूम में अलमारी में मम्मी का गहना होना था पुराना जमाना का, कान का नाक का, सोना चांदी अपना पुराना जमाना, कुछ अपना औरत लोग कुछ पर्सनल पैसा जमा करके रखती है, वो सारा पैसा जमा कर की हुई थी। पूजा में आप लोग गए? पूजा घर हम लोग पूजा में गए हुए थे अपने मामा घर दानापुर, यहाँ से 11 बजे सुबह निकले हैं, 11 बजे निकले हैं और वहाँ बर्थडे का भी प्रोग्राम था, रात में आने का प्रोग्राम था, सुबह 11 बजे निकले हैं, रात को 8 बजे जब आते हैं घर पर देखते हैं, तो उस समय आने के क्रम में देखते हैं कि ताला टूटा हुआ है, घर के अंदर घुसे तो सारा सामान निकला हुआ था, बिखरा हुआ था, फिर आकर के अगल बगल जो फ्लैटियर है उनको कोई जानकारी नहीं है, उनको कोई जानकारी नहीं है, इसमें और भी लोग रहते हैं सारे नीचे ऊपर, हम लोग 301 नंबर 3rd फ्लोर पर रहते हैं, तो चाबी दे करके गए हुए थे उनको, रड से किया है सब सब ऊपर देखिए, ऊपर देखिए इस वक्त हम हैं चंद्रमुती इनक्लेव में है, जो कि इसी के रास्ते अगर आगे आप देखिएगा तो मेहंदीगंज थाना चला जाता है, लेकिन एक बार फिर से जब देखा जाता है तो दिन के उजाले में यहाँ पे चोरी किया जाता है, चोरी कह सकते हैं, डकैती कर सकते हैं, यहाँ जब देखिएगा तो ये तमाम ढक्कन है जो आभूषण और इसी अलमीरा में कैश और आभूषण रखा था, चोरों ने फिर से हाथ खंगार लिया है, तो आप भी होशियार रहिए, और अब चूंकि शादी विवाह में लोग जाते हैं घर में ताला लगा कर जाते हैं, पूजा पाठ में जाते हैं, तो वो अब जाना भूल जाइए, हो सकता है कि कल आपकी बारी आपके घर में भी चोरी हो सकती है, फिलहाल प्रशासन से भी जो गुजारिश करेंगे कि इस तरह का जो घटनाएँ लगातार पटना सिटी में देखने को मिल रही है, और एक तरफ जब पटना पुलिस हो बिहार पुलिस हो तरह तरह के हथगंडे नकेल कसने के लिए अपना रही है, तो दूसरी ओर चोरों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि अब रात्रि में नहीं बल्कि दिन के उजाले में भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देकर रफू चक्कर हो जाता है, लगभग 10 लाख रुपए की जो संपत्ति है चाहे वो आभूषण है या फिर नकदी है उस पर हाथ फेरा है। SS@2 आप देखते रहिए, जय हिंद।